बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमारा चैप्टर चल रहा था और हम जो है PRC 4 की जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हम जरा सॉल्व कर रहे थे ICAP स्टडी टेक से। उसी से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 39 को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है आपके पास चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड से सवाल है। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक टॉपिक है आपके पास PRC 4 में डेप्रिसिएशन में चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, तो उसको थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश भी करते हैं, उसको इन डिटेल बात भी कर लेते हैं। आप ज़रा मतलब पहले समझ लें कि कंपनी जो है कोई एक नॉन करंट एसेट परचेज करेगी और जो है कोई भी एक मेथड से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, और कुछ एक दो साल के बाद वो सवाल के अंदर गिवन होगा और कंपनी ने जो है वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज कर दिया, यानी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, तो फिर उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, उससे रिलेटेड ये सवाल जो है MCQ नंबर 39 जो है सवाल के अंदर जो है आपके पास दिया हुआ है। सवाल पढ़ते हैं। व्हीकल परचेज वॉज परचेज बाई GM इंटरप्राइजेस फॉर ₹9 लाख ऑन 1st of January 2021। कंपनी ने GM इंटरप्राइजेस ने एक व्हीकल खरीदी है 9 लाख रुपए की 1st of January 2021, विच हैज एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख। उसकी रेसिडुअल वैल्यू सेल्वेज वैल्यू 1 लाख है आफ्टर 5 ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स। सिंपल सी सवाल था कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसका डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ दे हैव गिवन यू द कॉस्ट ऑफ एसेट, सेल्वेज वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ। मैनेजमेंट यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है। अब आप ये देखें कि आपकी कंपनी ने जो ये मशीन व्हीकल जो परचेज करी है, दैट इज़ 1st of January 2021 को करी है। फ्रॉम 1st January 2022, यानी कि 2021 से 1st January को आपने जो है व्हीकल परचेज करा था और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31st December को, तो आपके पास जो पहला साल था बच्चों, वो आपके पास 1st January से स्टार्ट हुआ था और 31st December को ख़त्म हुआ था। तो जब वो 31st December को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ था बच्चों 2021, और स्टार्ट हुआ होगा 1st January 2021 को, तो ये मशीन का पहला साल हो गया। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हमने सिंपली जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल दिया बच्चों। 9 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स इक्वल्स टू 1,60,000 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि फ्रॉम 1st January 2022 मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द मेथड टू अप्लाई 30% रेट यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जो नेक्स्ट ईयर से जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बजाय आप यू हैव टू यूज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो याद रखिएगा IAS 16 कहता है कि वेन एवर द कंपनी चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड, तो जो अपकमिंग जो आपके पास जिस साल से आपने मेथड को चेंज करा है, तो उस साल से आपके पास जो डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाएगा वो आपके नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा। तो अब याद रखिएगा आपको जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो December 31st 2022 का निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास 9 लाख थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन जो है बच्चों वो आपके पास 1,60,000 का अप्लाई हुआ था, तो आपने 9 लाख में से 1,60,000 को माइनस करा, तो नेट बुक वैल्यू बच्चों याद रखिएगा आपके पास जो है वो 7,40,000 आ गई। एक साल के पहले साल के डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आपका नेट बुक वैल्यू बच गई वो 7,40,000 आ गया। 7,40,000 पे, यानी कि जिस साल से आपके पास मेथड चेंज होगा, तो अपकमिंग ईयर से जितना भी डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाएगा वो उसकी नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई किया जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ एसेट पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, नेट बुक वैल्यू पे जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो 7,40,000 के ऊपर 30% अप्लाई करा, तो दैट इज 2,22,000 इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2022 आफ्टर चेंजिंग द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू 30% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इन द वे आपका जो राइट आंसर है वो आपके पास बीटा हो गया, याद रख लो, और ये आपके पास चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से कंपनी जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे चली गई या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन पे चली गई। तो याद रखिएगा जिस साल से आपका मेथड चेंज हुआ है, तो आप जो है डेप्रिसिएशन जो अप्लाई करोगे वो नेट बुक वैल्यू पे लगोगे। होपफुली आपको ये
क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।